Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start the first chapter of 10th biology, life process. So the first thing is, what is life process? हमारी life की ऐसी processes जो हमारी body के functions को maintain करने में help करती है और हमारे survival को बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं life processes. हमारी life की mainly चार processes हैं ऐसी. सबसे पहले उसमें आता है nutrition, सेकेंड है रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. सो हम इसको वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं. इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब अगला जो है वो है कि हमको न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग एनर्जी नीड्स हैं और ये एनर्जी उनको कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, और ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सारी चीज़ें हम 8th से पढ़ के आ रहे कि जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम क्या है? हम हेटरोट्रॉप हैं. आइए देखते हैं कैसे हम हेटरोट्रॉप हैं. सबसे पहले आते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे. ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं. सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे क्या हो गए? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स हो गया जो उनको सॉइल से मिल रहे हैं. इन सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट करता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि उनको एनवायरनमेंट से मिलती है. वो इनटेक करते हैं वाटर को जो उनको सॉइल से मिल जाता है, रूट से. ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि उनको लीव से मिलता है. लीव के अंदर क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है. इसी की वजह से जो लीव्स है उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, और सनलाइट सन से मिल रही है. इन सारी चीज़ों को मिला के ये रिएक्शन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और क्या देते हैं वो? शुगर देते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देते हैं. शुगर जो है वो इनका मेन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है क्या है? बाय प्रोडक्ट. हमने इसको बाय प्रोडक्ट क्यों बोला है? हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं. क्यों बाय प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारी बॉडी का वेस्ट है वो, है ना. ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी का वेस्ट क्या है? ये ऑक्सीजन. तो इसको हमने क्या बोला? बाय प्रोडक्ट. और ये जो शुगर है ये क्या है? उसका मेन प्रोडक्ट है. जो नेक्स्ट है वो है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ये हमने पहले देख चुका है. स्टिल एक बार फिर से देख लो, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें जो है ये मेन कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल कैसे होते हैं प्लांट्स को? आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों को पानी दे रहे हैं, हम उनकी जड़ों को पानी दे रहे हैं, रूट्स को. तो वो रूट्स में जो वाटर है वो जाइलम टिश्यूज के थ्रू कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है लीव्स में. लीव्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो वही होगी. देन उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको एनवायरनमेंट से मिल रहा है. जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसमें वो क्या कर रहा है? इसको एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है.
देन है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमको तीन मेन स्टेप्स देखने को मिलती है। सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट स्टेप ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर वो जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है स्प्लिट होके। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है, और फाइनली वो रिड्यूस होके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है लीफ में। ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में भी कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है गैसियस का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब फंक्शंस क्या है स्टोमेटा के, गैसेस एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मेनली होता है वाटर लॉस, बहुत सारा अमाउंट में वाटर को ये लॉस करता है। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल पोर है। ये जो स्टोमेटल पोर का साइज है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, गार्ड सेल के ऊपर। ये गार्ड सेल ही मेंटेन करता है स्टोमेटल पोर के साइज को। जब ये पोर बंद हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। जब ये से ओपन हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा। ये जो आसपास के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ये देखो जब ये ओपन है तो यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होगा, जब ये क्लोज हो गया है तो यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग में वही मैंने लिखा है कि ओपनिंग कब होगी, जब वाटर जो है वो गार्ड सेल में एंटर होगा और ये जो गार्ड सेल नहीं स्वेल हो जाएंगे, तो जब गैसेज एक्सचेंज होगा। और ये क्लोज कब होंगे गार्ड सेल, जब वाटर का लॉस हो जाएगा और वो श्रिंक होके ऐसा शेप ले लेंगे, तब यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस मेंशन किया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो है वो मेन वे है सोलर एनर्जी के ट्रांसपोर्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो प्लांट है उन्होंने क्या किया, सोलर एनर्जी को अपने अंदर गेन किया, और फिर वही प्लांट्स हम खा रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो रही। तो जितने भी लिविंग बींग होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सोलर एनर्जी उनके लिए अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट जो है वो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के इकोसिस्टम में। मेन प्रोड्यूसर क्यों बोला है, क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ लाइट ये कैरी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते सोलर एनर्जी को। फिर जब हम उस फूड को इंटेक करें तो वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। ठीक है, कोई एनिमल उसको खा रहा है तो वो एनर्जी उसके अंदर जा रही है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं 10% लॉ के अंदर, वो अभी आपको नहीं है, सो डोंट वरी। देन उसके बाद है हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है जो जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे कि हम है ना, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ऑल दो हम हमारा खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमको जो मेन सोर्स है जो हमको फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए वो तो हमको प्लांट्स से और एनिमल्स से ही मिलेंगे। ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड है डेड और डिकम्पोज मैटर पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो भी पेड़ की जो सूखे पत्ते, सूखी जो टहनियाँ होती है, वो सारी जो नीचे गिर जाती है, तो डिकम्पोजर्स उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि फोटो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंसेस में और वो बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस और एनिमल्स में हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं टीथ के थ्रू, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और उसको डाइजेस्ट करते हैं हमारे स्टमक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये आप कैसे याद रखोगे, पैरासाइट से। हम मॉस्किटो को बोलते हैं पैरासाइट, वो क्या है, लिविंग है, हम भी लिविंग है,
क्या वो हमको मार के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है? नहीं, क्या कर रहा है वो एक लिविंग बॉडी के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। जिस बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म रहेगा या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर से क्या करेगा वो अपना न्यूट्रिशन लेगा, जैसे कि कस्कटा मॉस्किटो। में नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन एंड अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करता है। इसमें इसका जो न्यूट्रिशन है वो मेनली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेप आती है इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड जिसको हम इंजेशन बोलते हैं, जब हम फूड को अपने अंदर लेते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। अंदर जाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी। उसके बाद वो जो डाइजेस्टिव फूड है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और बॉडी के सेल्स की ग्रोथ और उनके रिपेयर के लिए। फाइनली क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक न्यूक्लियस सॉरी ये एक अमीबा का ड्रॉ है जिसमें ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका फूड पार्टिकल है। क्या होगा, ये अपने फूड पार्टिकल के पास जाता है, यहाँ पे ऐसे सूडोपोडिया बनाता है ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा वैक्यूल बना के अपने फूड को अपने अंदर ले लेता है, उसको डाइजेस्ट करेगा और इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, उसको बाहर रिमूव भी कर देगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। सेम क्या होता है पैरामीशियम के साथ। जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम और इसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि यहाँ पे जो फूड का मॉलिक्यूल है ना, ये सूडोपोडिया बॉडी में कहीं भी बन सकता है, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक माउथ होता है खाना खाने के लिए, वैसे पैरामीशियम के पास भी एक ही माउथ होता है जहां से इसका फूड पार्टिकल अंदर होगा, एंटर करेगा, बाकी इसकी बॉडी से फूड पार्टिकल एंटर नहीं होगा। इसके पास होते हैं सीलिया और ये जो माउथ है इसको हम गलेट बोलते हैं। सीलिया क्या करता है, फूड को इधर मूव करने में हेल्प करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल फूड पार्टिकल यहाँ पे है, ये पानी में होता है, तो ये ऐसे ऐसे लहर लहर के क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचाएगा और फिर ये माउथ से क्या होगा, फूड पार्टिकल अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो चप्पल जैसा होता है। देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग में वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास न्यूट्रिशन के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हमने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें आ जाता है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ग्लैंड्स में हमारे पास ये सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस देते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज आप वहां जाके देख ले। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन का इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।